समझना चाहूंगा मुझे ये कौन समझाएगा कि अब इधर क्या हो रहा है अच्छा ये बटुए बनाए जा रहे हैं रखने वाला। ये मोबाइल कवर है मोबाइल पाउच मतलब हाँ। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के साथ वो चीजें भी बनाई जा रही हैं कि वो हम उस चीज को बरकरार रखें और लोग उसका इस्तेमाल करें ये क्या चीज़ है ये टिकोजी कहलाती है ये बताइए ये क्या चीज है बड़ी फैंसी सी पैकिंग में लग रहा है जो होता है ये क्या है ये सबसे ज्यादा फेमस है मेरे यहाँ की ये ब्राउनी सेल होती है और वो पीनट कुकीज़ है मैम इसे देख के तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसे टेस्ट करके देख लूँ एक बार ये 120 का बॉक्स है और ये सबसे ज़्यादा बिकता है सबसे ज़्यादा कितना सेल हो जाता होगा ये चार पाँच कुंटल पूरे साल में बिक जाता है ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी एंड अमेरिकन पिस्ताश्यूज प्रार्थना प्रार्थना की महक के बाद शुरुआत में आपको जो तस्वीरें जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं वो एक लाल सा कपड़ा नजर आ रहा है उस पर कुछ कढ़ाई नजर आ रही है और ये कढ़ाई कहाँ की है ये कढ़ाई है भोपाल की भोपाल की बच्चियों की जो यहाँ पर कढ़ाई कर रही हैं। और मैं अगर आपको बताना चाहूं तो मेरे पीछे भी एक दीवार है एक शोपीस एक शोकेस बना है जिसमें छोटे छोटे कपड़े हैं बुनाई कढ़ाई किए हुए यहाँ पर रुमाल हैं या छोटे छोटे डिज़ाइंस बने हुए हैं कढ़ाई मशीन के बहुत सारे ऊपर पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये मैं आपको बता दूँ आपको जानकारी के लिए इस जगह से आपका तारुफ़ करा दूँ ये जगह है मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पर ज़री ज़रदोज़ी का यहाँ पर कढ़ाई बुनाई का और यहाँ पर खानों का भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में इस्तेमाल होती हैं वो तमाम तो चीज़ें भी उनकी स्किल्स सिखाई जाती है कई बार हमें लगता है कि हमारे घर की जो माताएं हैं जो बहनें हैं जो महिलाएं हैं वो घर तक सीमित हैं लेकिन वहाँ से भी वो निकलकर बहुत कुछ सीख सकती हैं बाहर चुनावी का साल है चुनावी वक्त है बहुत सारी सरकारें बहुत सारे वादे कर रही हैं कोई कहता है कि हम महिलाओं को इतने हज़ार देंगे कोई कहता है हम महिलाओं को इतने लाख देंगे लेकिन महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हम खुद ये सब कमा सकती हैं उन स्किल्स से उन चीज़ों को सीख कर और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भोपाल का इलाका जो ज़री जरदोजी के लिए मशहूर है सेंटर रहा है यहाँ का आज वो स्किल थोड़ी धुंधली पड़ी है आज उस तरीके के लेबर उस तरीके के स्किल लेबर शब्द मेरा गलत होगा यहाँ पे कहना लेकिन स्किल मैं कहूँगा आज वो स्किल थोड़ी कम नज़र आती है लेकिन फिर भी जब ये तस्वीरें दिखती हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चियाँ बैठ कर वो स्किल सीख रही हैं और मेहनत के साथ शिदत के साथ वो इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हैं इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी को देना चाहती हैं तो बहुत खुशी मिलती है यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर इफ्तार साहब हैं मैं उनसे भी शुरुआत उन्हीं से करूँगा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप पर क्या ज़िम्मेदारी है क्या करते हैं आप यहाँ पे अब मैं तो यह ख़दमत कर रहा हूँ हमारे पास कोई दस ट्रेड्स हैं आई टी आई है कुछ अप्रूव ट्रेड्स हैं कुछ हम फ्रीली चला रहे हैं जिसमें के बच्चों को अभी ज़रि जरदूजी है इट्स जिससे डाइंग ट्रेड इसको हम जिंदा रखे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि ये ऐसा नहीं होगा ख़त्म हो, हो जाए बिल्कुल इससे पहले यहाँ भोपाल में सुल्तान जहाँ बेगम के ज़माने से एक जरी सेंटर हुआ करता था जो कि वक्त के साथ ख़त्म हो गया जी लेकिन हम तो हमारी कोशिश है कि क्यों एक पुराना भोपाल का एक बटवे और ये सब कड़े हुए और उससे मिलते थे अभी भी मिलना चाहिए जी और लोगों को पता चलना चाहिए कि भोपाल अभी भी जिंदा है और भोपाल की शान है जरी जरिजरदी भोपाल मतलब भोपाल अगर कोई आएगा समझने वाला व्यक्ति तो वो ज़रूर खोजेगा कि जरी जरद्वाजी के लिए हम किस इलाके में जाएं कोई नया व्यक्ति आएगा तो अभी हमारे बच्चे जो हैं ये बटवा बनाते हैं बैग बनाते हैं अच्छा। ये सुराई के कवर्स आपने, बनाते हैं आपने वो वाला तान और... आपने वो वाला तान छेड़ दिया है जो तान मैं छेड़ना चाहता था <laughs> मैं पूछना चाहता था कि ये बच्चे क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे इनका हुनर कहाँ तक आदे, है अभी दिखाएंगे आपको सारा हुनर जो कंप्लीटेड है ये तो अभी हाफ आपने दिखाया है कुछ जस्ट अ स्टार्ट मैं सर माफी चाहूंगा मैं बीच में टोक रहा हूँ मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा मैं मैम के पास आऊंगा और पहले समझूंगा मैम आपका क्या नाम फोजिया खान फोजिया मैम आप सिखाती हैं यहाँ पे जी जी तो अभी यहाँ पे इस तमाम जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं ये क्या कर रही हैं प्रोसेस क्या है पहले इनका ये कब से ट्रेनिंग कर रही हैं यहाँ पे ये थ्री मंथ इनको तीन महीने हो गए तो कितने समय में सीख जाते हैं ये, ये इन पे है अच्छा इनके स्किल्स पे है कि कौन कितना तेजी से उस चीज को ग्रैप कर लेता है फिर भी जैसे जो ये बच्चे हैं तीन महीने से सीख रहे हैं तो ये कहाँ तक पहुँचे स्टेप वाइज बताइए अरे वाह ये फूल है मैं कहूँगा गोविंद आप ये दिखाइए ये देखिए तो इसे कढ़ाई बोलेंगे ये कढ़ाई है क्या नाम है आपका गायत्री जी गायत्री गायत्री आपने ये फूल बनाया है तो ये कितने समय में आप सीखे बनाना दो दिन अच्छा तो अब ये जो फूल बनाए ये कढ़ाई का काम है तो क्या जरी जरदोजी फिर इसी के बाद इसी पे जरी होती है इस पे भी होती है ये सिर्फ कढ़ाई है जी, ठीक है और ये बच्चिया क्या कर रही है यहाँ पे फूल बनाया देखिएगा वो भी फूल बना रही हैं अच्छा ये इन्होंने बनाया है मैं कहूँगा जूम करके दिखाओ ये अगर जूम आप कर सकते हो तो हाँ और इधर क्या हो रहा है ये क्या कर रहे हैं सब आप बताइए आप क्या कर रहे हो बेटा जी हम भी फूल बना रहे हैं अच्छा आप भी फूल बना रहे हो और ये इस पे नाम भी लिखा है आपने शायद नाजमा जी। तो ये नाम आपने लिखा है कि टीचर ने आपको कहा था लिखने के लिए नहीं हमने अच्छा ये आपने खुद से लिखा है तो फिर आप इसके ऊपर भी आ, करोगे कढ़ाई जी अच्छा नाम पे भी करोगे और ये फूल आपने बनाया है ठीक है तो और ये क्या चीज़ है इसे क्या कहते हैं मैम ये जो जिसके अंदर ये लगा है सर, फ्रेम फ्रेम कहते हैं तो ये अलग अलग साइजेस के होते हैं क्या अलग अलग साइज ठीक है तो अब जैसे ये कढ़ाई हो रही है तो ये ये ट्रेनिंग है ये एक तरीके से जैसे मैं आजकल की अगर जो पीढ़ी है हमारी जो क्रिकेट खेलती है स्पोर्ट्स खेलती है मैं उनकी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ और आप अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त भी कीजिएगा तो वो जैसे नेट प्रैक्टिस करते हैं इंटरनेशनल खेलने से पहले तो नेट्स में जो प्रैक्टिस होती है उस तरीके की प्रैक्टिस है ये अभी ताकि कल को जब आप किसी सूट के ऊपर किसी साड़ी के ऊपर किसी बुरके के ऊपर या किसी कपड़े पे कढ़ाई करे और फिर वो कपड़ा बाजार में जाए तो ये उसकी स्किल के लिए तैयारी है जी जी ठीक है और ये फूल बनाने का जो स्टेप है ये शुरुआती स्टेप होता है जी। सबसे पहले कि भाई आ खा गा ए बी सी इस तरीके से जो शुरुआत है वो फूल से होती है जी, जी, फिर इसके बाद ये बच्चे क्या बनाएंगे इसके बाद जो इनको पसंद आएगा वही बनवाएंगे अच्छा फिर ये खुद से बनाने लगते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे फूल के बाद कोई अलग तरीके की चीज़ हो कि भाई अब आपको इस पर कोई और कलाकारी करनी है जी कर लेते हैं सर बता दें तो कर लेते हैं अच्छा फिर इन लोगों का टेस्ट भी होता है क्या जी अच्छा कितने दिन के बाद होता है किस तरीके से आप टेस्ट लेते हैं एक महीने में लेते हैं सर एक महीने में एक बार टेस्ट होता है ठीक है आ, और लोगों से भी बात करेंगे आ, मैम आप भी ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे नहीं मैं तो ट्रेनिंग नहीं देती मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी हूँ यहाँ अच्छा आप सेक्रेटरी हैं हैं तो तो आप नजर तो रखती कि बच्चे किस ज्वाइंटरी नजर नजर जी, जी, जी। तो के के दस बारह क्योंकि ये स्लो काम है जिससे बच्चियाँ थोड़ा घबराती हैं और आज का दौर जो है वो फास्ट है तो बच्चे उससे घबराती हैं लेकिन हम कुछ ना कुछ उन मशीनीकरण का दौर आ गया जी जी इंटरेस्ट पैदा करते हैं ताकि उनको कुछ ऐसा करते हैं कि उनको इंटरेस्ट आए और वो इसको भोपाल की ये जो रिवायत है रिवायत है हाँ, उसको हम जिंदा रख सकें जिंदा रख सकें मैं समझना चाहूंगा मुझे ये कौन समझाएगा कि अब इधर क्या हो रहा है मैम आप समझाएंगे हाँ प्लीज ये जो चीज़ है ये क्या है ये किस तरीके की तैयारी चल रही है बटुए बन रहे अच्छा ये बटुए बनाए जा रहे हैं सुपारी रखने वाला मतलब जो पुराने वक्त में जो महिलाएं अपने पास कैरी करती थी और अरे ये देखिए मैं कहूँगा गोविंद ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे तो ये जो ये पूरा आप दिखाओ पहले मैं ये जो बटुए हैं ये सब यहाँ के बच्चों यहां ने बनाए जी बिल्कुल यही वो मैं कह रहा था कि ये इन डिफरेंट साइज होते हैं छोटे भी होते हैं जिसमें के सुपारी वगैरह रख सकें इसमें मोबाइल भी रख लेते हैं ये पर्स बने हैं ये, ये मोबाइल ये कवर, है। कवर है ये मोबाइल कवर है मोबाइल पाउच मतलब वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के साथ वो चीजें भी बनाई जा रही हैं है। कि वो हम right. उस चीज को बरकरार रखें और लोग उसका इस्तेमाल करें जी जी। और इसकी कीमत क्या है? होगी टू हंड्रेड ये बड़ा अच्छा है इस तरह से बंद भी हो जाता है वाह ये देखिए ये मोबाइल का पाउच है यहाँ पे और ये बहुत ही खूबसूरत है तो ये यह यहाँ के जो बच्चे हैं वही ये सब तैयार करते हैं फिर और भी मैं कहूँगा फ्रेम में दिखाएं जी ये क्या चीज़ है टिश्यू पेपर पेपर बॉक्स जो आता है हम लोग गाड़ियों में देखते हैं बहुत अलग अलग तरीके के बॉक्सेस लेकिन ये कितना खूबसूरत बॉक्स बनाया गया है यहाँ पे टिश्यू पेपर के लिए रखने के लिए वाह ये बहुत शानदार है और ये जो कपड़ा है ये मखमल का कपड़ा मकमल है, है। मखमल पे ये काम ज्यादा अच्छा अच्छा मखमल पे बहुत खूबसूरत लगता है ये निखर के आता ये सब है यहाँ पे जरी का ये मखमल पे ज्यादातर मखमल पे ही होता है जी शादी के कपड़े जरूर जो के लेडीज के होते हैं उन पे भी कढ़ाई होती है ये शेरवानी हो और शेरवानी हो लहंगे होते हैं उनपे सारे इस तरह का वर्क होता है जी 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 और क्या चीजें हैं यहाँ पे इसके अलावा ये नीचे क्या है ये भी मोबाइल कवर है अच्छा तो ये सब यहाँ बच्चों ने बनाए हैं और इसकी कीमत कितनी है ये जो आपने टिश्यू बॉक्स दिखाया अच्छा फिफ्टीन हंड्रेड का है ये ये बहुत ही खूबसूरत सा एक बॉक्स है लेकिन ये, हो ये, ये, नहीं है। नहीं है ये कुछ कवर अच्छा ये कुरान शरीफ का कवर है ये ये बड़ा है छोटा है जी जो जी, जी, जी जी जो जो भी धार्मिक किताबें हैं जी जी। तो आप उसके उसकी सुरक्षा के लिए या उसको हिफाजत से रखने के लिए संभाल के रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुरान शरीफ हो वो गीता हो बाइबल हो गुरु ग्रंथ साहिब हो किसी भी किताब को आप इससे हिफाजत के साथ उसे रख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत और छोटे बड़े हर साइज़ के आपके पास ये मौजूद हैं और ये सब कलाकारी भी ये जो ये सब सारा ये अड्डा कहलाता है जिसमें काम हो रहा है पहले कपड़े को कसते हैं इस जी, पे, जी, जी। फिर, फिर उसके बाद काम फिर ट्रेसिंग करते हैं ये कपड़ा जो है डेली कसा जाता है नहीं एक बार कस के छोड़ दिया ठीक है अब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ठीक है इसको नहीं निकालेंगे अब इसमें कितने बटुए बनेंगे इसमें दो कितने बटुए बनेंगे इसमें चार चार बनेंगे कैसे अच्छा ये ए, एक समझ एक गया, गया मैं एक तरफ का हिस्सा ये एक तरफ का ये एक दो तीन और वो चार चार, चार बटवे यहाँ पे बनके तैयार होंगे और इसमें वक्त कितना लगेगा ये आप कब से कर रही हैं इस इसे आज कसा गया है कल कसा गया था कब कसा गया था इसे? दिन लगेंगे, होने। एक जी आप कुछ बता इसे कंप्लीट होने में टेन डेज लगेंगे टेन डेज लगेंगे तो अभी जैसे ये बिल्कुल शुरुआती फेज में मेरे को लग रहा है जी जी। ऐसा नहीं है कि अभी इसका काम खत्म होने वाला है है ना ये जैसे ये वाला जी। बिल्कुल शुरुआती में है इसकी एक आउटर लाइन पूरी हो गई है इसकी भी पूरी हो गई आउटर लाइन और इसमें थोड़ा आपने फूल भी बना दिया तो इसे एक उसको पूरा करने में दस दिन लग जाते हैं एक को नहीं पूरे पूरे कम्प्लीट होने में चार पूरे कम्प्लीट होने में अच्छा जी और कितने घंटे आप बनाएंगे तब ये दस दिन में पूरा होगा जैसे एक दिन में कितनी देर बनाएंगी एक दिन में कितनी देर बस लंच का टाइम फ्री रहते हैं बाकी ऑल टाइम यही है सुबह में कितने बजे आती हैं आप टेन दस बजे आती हैं और जाने का वक्त चार बजे शाम में चार बजे जी आप यहाँ से निकलती हैं जी और दस से चार के बीच में खाने का वक्त छोड़ दिया जाए तो फिर ये किया जाता है जी अब सोच के देखिए आप ये कितनी मेहनत का काम है कि दस बजे आया हुआ व्यक्ति चार बजे जा रहा है छः घंटे लगभग उसमें से अगर आप खाने के लिए अधिकतम एक घंटा हटा भी दें कि आपने एक घंटे का ब्रेक लिया तो भी लगातार यहाँ पे मेहनत करनी है और तब जाकर ये दस दिन के अंदर चार बटुए तैयार होंगे तो इसी तरीके से जो जो किताबें होती हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं कुरान कही है गीता कही है सब एक ही है तो उनके जो कवर्स बनाए जाते हैं तो उनमें भी इतना ही वक्त लगता होगा साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है साइज पर ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना वक्त लगेगा साइज डिजाइन एक सेकंड मैं उधर आ जाता हूं। ये और पे भी डिपेंड करता है। कुछ खासी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं अच्छा तो उसमें ज्यादा वक्त लगता है अच्छा कुछ ये स्पेस दी ज्यादा छोड़ दी जाती है जी 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 उसमें ज्यादा लगता है आप देखेंगे अभी टीकोजी भी वो भी हैं वो भी देखते हैं मैम एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा एक चीज मुझे और समझाइए चलिए पहले आप ये दिखाइए मुझे <laughs> ये मैम का, तो घना है, इसमें? इसमें है।, अच्छा। है।, है और बहुत बारीक है तो ये ज्यादा खूबसूरत लगती है इसीलिए बाजार में कई बार जब हम जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने और उसपे काम ज्यादा होता है तो दुकानदार जब थोड़े ज्यादा पैसे बताता है तो अब कस्टमर तो आपको पता ही है कस्टमर तो कस्टमर है वो तो और महिलाएं जो इस चीज़ में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं वो तो फिर तुरंत कहेंगी कि भैया इतना दौड़ी लगता है लेकिन ये इतना बारीक काम है तो वक्त लगता है वक्त लगता है मटेरियल भी लगता है उसके साथ जी जी तो जी तो मैं तो यही कहूंगा कि अगली तो बार जरी जरदोजी का सामान लेने अगर आप बाजार में जाए तो इस वीडियो को देखा है तो इस बात को ध्यान में रखें कि मोल भाव करने से पहले देखिए कि उसमें मेहनत कितनी है मैंने बताया आपको कि कब से कब तक एक बटुआ तैयार होने में कितना वक्त लगता है कितना समय देना पड़ता है हमारे यहाँ मार्केट से कम रेट में दिया जाता है जबकि मार्केट में इतना अच्छा काम नहीं होता और मार्केट में जो है वो ये सब ऐसा काम होता है कि एक बार के वॉश करने से वो सब निकल जाता है या ज़्यादा टाइम चलता नहीं है हमारा काम जो है वो बहुत ही जमा हुआ है ऐसा काम भोपाल में शायद ये मैं मैंने तो तलाश भी करा तो मुझे, नहीं, मुझे मिला। नहीं मिला तो इतना जमा हुआ और इतना अच्छा काम आ, के बावजूद हम लोग बहुत कम कीमत में ये सेल करते हैं और ये इंस्टीट्यूट है ही ऐसे लोगों का कमज़ोर लोगों का जो बेचारे वो तो और ट्रेनिंग में हम ऐसे लोगों को देते हैं कि जो अपना खुद आ, आम, कमा सके, सके। चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ किस तरीके के बच्चिया यहां जी, जी, की बच्चियाँ यहाँ पे ज्यादा आती हैं ट्रेनिंग लेने ऐसी आती हैं जो बेचारे से कमजोर हैं जो घरों से कमजोर हैं या ये उस ट्रेनिंग लेके या सिलाई की ट्रेनिंग लेके या इसकी या फूड प्रजर्वेशन सीख के और फिर वो अपने घर से अपना बिज़नेस कर सकती, सकती हैं है। और कोविड में तो मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अपने घरों से बिज़नेस कराया और मुझे पिक्चर्स भेजी हैं तस्वीरें भेजी हैं कि मैम देखिए आपने सिखाया तो आज हमारे ये काम आ रहा है कितने बच्चे यहाँ से निकल गए होंगे सीख कर अगर कुछ ऐसा अंदाज़ा कुछ समझा जाए कि इतने बच्चे इस, आते हैं ट्रेनिंग के लिए इस इसमें खाली जरदूजी में तो एग्जैक्टली exactly नहीं लेकिन फिर भी कुछ नहीं तो पाँच बच्चों को तो हम सिखा चुके हैं पाँच बच्चों आ, को आप सिखा चुके हैं बारह हज़ार बच्चे आई टी आई कर चुके हैं बारह से पंद्रह तक अच्छा जो कि आई टी आई अपने स्किल किसी न किसी ट्रेड में इन डिफरेंट ट्रेड्स कोशिश करते हैं कि और और ज़्यादा मुझे बताइए कि ये जो बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं जैसे जो जरी का काम सीख रहे हैं जरदवाजी का काम सीख रहे हैं तो इन लोगों का फीस का उस चीज़ों का क्या रहता है किस तरीके से कितना क्या पे उसके क्या कोई इनको स्कॉलरशिप या कुछ ऐसी मदद भी मिलती है स्कॉलरशिप तो ऐसे कुछ खास हम लोगों को मिलती नहीं है हम लोग यहीं से कुछ एडजस्ट करके और लोगों को बता के जो हम लोगों के रिले, रिलेशन में है यह हम लोगों के ताल्लुक हैं जो लोग बाहर हैं वो है हम लोग उन लोगों से कह के कुछ करके खेचतान करके उन लोगों की फीस और ख़ुद चेयरमैन साहब अपने अपनी तरफ से कुछ लोगों की फीस दे देते हैं कि मतलब ये बस इंस्टीट्यूट को ज़िंदा रखना है बस तो ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि खुद से आपस में यार दोस्तों से या संपन्न जो लोग हैं उनसे मदद लेते हुए चेयरमैन साहब से मदद लेते हुए इन बच्चों को सिखाया जा रहा है तो ना के बराबरी फीस में इनकी मानू ये ना ना जी जी 500 रुपीस अच्छा आ, मतलब ये, 500 रुपीस सिक्स मंथ की एक बार रजिस्ट्रेशन 500 में करा लें और फिर आप सीखें सिक्स मंथ का महीने के लिए मतलब जी हाँ सिक्स मंथ का कोर्स है तो ये तो बहुत ही समझे कुछ भी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल मंथली कुछ नहीं है हमारे यहां हमारे यहां बस रजिस्ट्रेशन फी है 500 जी चलिए यहाँ का हमने देखिए जरी जरदौजी का काम आपको दिखाया समझाया अब सर हमें और आगे जो चीज दिखाएंगे वो हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं ये, ये क्या चीज है? ये ये है टी पॉट है ये वह नहीं है टी पॉट कवर, कवर टी है टी पॉट में टी पॉट का कवर है चाय गर्म रखने के लिए और ये कितना मतलब शाही और कितना ग्रैंड लग रहा तो है ये देखने में ये टिकोजी कहलाती है कहते हैं इसे। तो ये कहाँ का है मोस्टली कहाँ पे इसका, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है या देखिए अब नॉर्मली जब चाय की ट्रे आती है एंड होम्स well उसमें टी पॉट अलग होता है शुगर अलग होती है दूध अलग होता है जी। तो टी पॉट का कवर है ये ताकि वो गर्म रहे इससे पहले कि चाय आप पहली में भरे महफिल मतलब हाँ। सजी है आपके यार दोस्त बैठे है। हैं और तो, है, तो चाय आप आपकी गर्म ठंडी ना हो क्योंकि ठंडी चाय का मजा नहीं आता है। है। वो खाली ट्रे में अपने कप में ले आए चाय ये जो है ये आप ट्रे में अलग अलग हर चीज है बहुत ही बढ़िया चलिए तो ये, अच्छा? ये, ये एक भोपाल की एक और रिवायत है पानदान अच्छा ये पानदान की कवर है, है। कटिंग नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा था कि इसमें कटिंग नहीं हुई है लेकिन हुई है ताकि हैंडल निकले और ये पानदान पे ये ऐसे कवर की तरह उसके ऊपर सज्जा कवर के साथ ही उठ जाता है अंदर वो सारा सुपारी और वो कत्था वो चूना वो सब अंदर होता है और फिर जब बंद कर दीजिए तो ये बंद हो गया पानदान की गिरदी बोलते हैं इसे पानदान की गिरदी है ये अच्छा एक चीज़ बताइए पहले ये बहुत चला करता था चलन में था लोग खरीदते थे डिमांड भी होती थी और लोग रखते थे लेकिन अब डिमांड थोड़ी कम है अब उसकी वजह है कि अब, अब पान खाना आमतौर से लोग पसंद नहीं करते जनरेशन जो है जो जाकर पान की दुकान पे खा ले खाती है

पुरानी दिल्ली से वो ताल्लुक़ है उनका और चावड़ी बाज़ार इलाके में रहते थे जामा मस्जिद के पास और उनके घर में मैं जब जाता था बचपन में तो जिससे वो छालियाँ काटा करती थी वो उनके पास होता था सरोती होती थी उनके पास पान दान होता था और उसके अंदर पान हमेशा रहता था तमाम चीज़ें और मेरे मामा जी शाम में अपने दफ्तर से आते वक्त वो पान लेकर आते थे अपनी दादी को भी मैंने ऐसा करते देखा तो, तो ये सब चीजें थी और वो परंपराएं और वो जो हमारी जो वो सब चीजें अब घरों आती नहीं, 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 नहीं इसलिए पान का रिवाज घरों में खत्म हो गया जी 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 जो अपने शौकीन है वो जाकर और जिस तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि वो शायद जो टपरियों पे या दुकानों भी मिल रहा है वो वहां से भी ना खत्म हो जाए क्योंकि वो भी दुकानें कम ही हो गई पान उसमें वो ओरिजिनलिटी नहीं रही भी नहीं और अब तो आज का जो दौर है सोशल मीडिया का उसमें कई तरीके के और वो सब देख के बच्चे, फायर पान, पान, वो सब बच्चे का पूरा ही खत्म कर, कर दिया है। पहले वो सादा पान होता था उसमें कत्था चूना होता था सुपारी होती थी कोई अगर तम्बाकू उसमें डालता था तो वो होता था ये खुशबूएं वगैरह नहीं होती सादा पान खाते थे लोग डाइजेस्टिव भी होता था लेकिन अब जो है ये नुकसान देने वाले पान हैं अच्छा चलिए जैसे ये स्वायत्त संस्था है जिसके ज़रिए ये चल रहा है क्या जैसे उत्तर प्रदेश मैं अभी आपसे मिलने आ रहा था तो मुझे ये खौफ भी था कि मैं एक बहुत ही मैं ख़ुद को नासमझ ही कहूँगा ज़रिय जरदवाजी के मामले में एक ऐसा पत्रकार मैं पहुँच रहा हूँ और वहाँ पे ज़री ज़रदी पर मुझे बात करनी है क्या मैं बात कर पाऊँगा मैं क्या प्रश्न पूछूँगा क्या मेरे सवालत होंगे लेकिन मैंने उसी वक्त एक वीडियो देखा उसमें यह था कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है दो साल पहले उनकी एक ख़बर आई और न्यूज़ में भी आया कि वो जो जरदौजी का काम है उस स्किल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये स्किल बची रहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है सरकार ने बीच में कोशिश ज़रूर की थी कि भाई क्या स्किल्ड आप क्या चल रहे हैं क्या कर लेकिन ट्रेडिंग करें वहाँ पे जाके हम कहते हैं सिखाओ तो पहले बच्चों को बाद की बात है ट्रेनिंग तो लेकिन सिखाना कहीं नहीं है इस तरह के ये काम जो है ये डेडिकेटेड वर्क है इसके लिए ज़रूरी है कि डेडिकेटेड हो उसको जितने पैसे मिलने चाहिए उससे ज़्यादा मिले तब तो आदमी वक्त लगाएगा जी। लेकिन जहाँ आप वो एक पाँच रुपये का चमकता भड़कता पर्स आपको बाजार में मिल भी जाएगा भी भी। वो जब का वो दो दिन में ख़राब हो जाएगा लोग उसके पीछे चले जाते हैं और इसकी क़दर नहीं है लोगों जो जानने वाले हैं दे रियली डू इट कि उनको पसंद आता है वो, वो उसका पे करते हैं जी। लेकिन जनरल पब्लिक को नॉलेज है और ना उसकी तरफ रुझान है गवर्नमेंट ने यहाँ सर्वे किया लोग आए भी और यहाँ के साहब क्या है डिज़ाइन दे दीजिए हमने वो भी दिए अगर तो हम वहां सोसाइटी में कहीं रखेंगे दुकान खोलें गवर्नमेंट का उसमें वो रखें तो मैं इतने पीसेस तो हम बना ही नहीं सके हम आप ले पावर नहीं है जो के जो सके हम जो है वो ले जाइए सब आप, पिछली सरकार में हुआ जब मतलब तब जी तक हुआ मोहन यादव जी के आने के बाद कुछ तक नहीं हुआ अभी कुछ नहीं है अभी तो अब आए हैं तो अब थोड़ा सेट होंगे वक्त दिए जाएंगे करेंगे वो भी करेंगे कुछ ना कुछ तो लेकिन ये कर, मेरा कहना यही है कि ऐसे ट्रेड्स को को उठाना चाहिए जी, आ, को चाहिए, चाहिए। जी गवर्नमेंट ध्यान रखना बहुत सी चीजें इसको और इन को अगर आप रिलीजन से कनेक्ट कर, करने, करने लगे बात होगी ये तो सबके इस्तेमाल की चीजें हर आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए और ट्रेड हमारे कोई नहीं है ये आप कम्युनिटी के बच्चे हैं हाँ। यहाँ पे जो मैंने देखा जी हाँ। पीएम मोदी जो हैं वो लगातार संदेश देते हैं कि हम स्किल्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं नक्काशी से जुड़े लोगों को सम्मान दिया उन्होंने बड़े बड़े राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया बड़े बड़ी जगहों पे जहाँ पे उनके प्रमोशनल इवेंट्स कराए आपको क्या लगता है कि क्या उस तरीके से कुछ काम हो रहा है या करना चाहिए पी को इसके लिए भी करना तो चाहिए भैया कुछ और भी लोग हैं जो घरों में बना रहे हैं यहाँ से सीख के गए दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट उसमें अपने कर रहे हैं वो अपने दुकान वाले से ले आते हैं कपड़ा वी पेज पीनट्स टू देम वो बना के करते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा बने भले ही पैसे को मिलें जी। लेकिन अब लेकिन वो दूसरे जो लोग यहाँ से सीख के गए उनको मिलना चाहिए टू तो रन देयर ओन हाउसेज उनको नहीं मिलता तो अफसोस होता है कि यार इतनी मेहनत करते हो जाके हमने सिखाया भी उसके बाद भी रिटर्न ना मिले बच्चे को तो इट्स पेनफुल चलिए ये यहाँ का जो जरी का काम था जो ज़री जरदोजी की चीज़ें बच्चे यहाँ सीख रहे हैं किस तरीके की चीज़ें बनती हैं वो दिखाने की कोशिश की है क्योंकि भोपाल से मैंने कई ऐसे रिपोर्ट्स देखी कई वीडियोस भी देखे जब मैं यहाँ आया तो वही ज़री जरदोजी में भी दो तरीके की चीज़ें हैं जो वीडियोस मैंने देखे उसमें नज़र आया चमकती धमकती दुकानें वहाँ पर चमकते धमकते कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिस ज़री का काम हुआ है कुछ ऐसा हुआ है लेकिन ये एक दूसरी तस्वीर है जो हमें दिखानी चाहिए समझानी चाहिए कि हम जो फ़सल काट रहे हैं ज़री की वो अभी हमारे सामने है मौजूद है या हम ट्रेडिंग की बात करते हैं लेकिन अगर स्किल ही नहीं बचेगा तो फिर हम वो ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे क्या हम इस चीज़ को उस तरीके से देख पाएंगे और मशीनों से भी आप अगर वो कारीगरी करेंगे तो क्या इस लेवल की बारीकी और इस तरीके का काम और ये जो विरासत है वो बच पाएगी या क्या हम कहीं बाहर से जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ प्रोड्यूस होकर और यहाँ पर आ रही हैं तो क्या वहाँ से लाकर हम उससे संतोष कर पाएंगे खैर ये बहुत बड़ी और गंभीर डिबेट है इस पर चर्चा चलती रहेगी लेकिन यहाँ पर भोपाल की गलियों में जिस तरीक़े से ये काम किया जा रहा है ये देखने समझने और सोचने लायक है कि हमें अपनी पीढ़ियों को किस तरीके से बचाना है और विरासत में उन्हें क्या देना है अभी यहाँ पे हम एक किचन के अंदर हैं और इस किचन की खासियत ये है कि ये किचन सिर्फ खाना खाता या खिलाता नहीं है ये जो किचन है ना ये खाना बनाना भी सिखाता है मतलब इस किचन के अंदर अगर आप आएंगे तो आपके लिए ये चीज़ है कि आप अपने घर पर बहुत बढ़िया बढ़िया स्किल लेकर जाएंगे कि भाई साहब बढ़िया अचार कैसे बनाया जाए क्योंकि जब गर्मियों के महीने में या जब आप आलू और पूड़ी खा रहे हो घर पे, या आपके घर में पराठा कोई बच्चा सब्ज़ी नहीं खा रहा तो आपको ज़रूरत पड़ती है और अमियाँ दादी मम्मी सब से बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें अचार दे दो तो, अचार से खा लेंगे पराठा या पूड़ी और सब्ज़ी के साथ या कहीं ट्रैवलिंग में आप सफ़र में जा रहे हैं तो भी अचार की बहुत ज़रूरत पड़ती है अचार कैसे बनता है नौ चटनी कैसे बनती है और तो और देसी यहाँ देसी जो रुआ होता है वो कैसे बनता है वो एक ब्रांड हो गया लेकिन उसका जो देसी फ्लेवर है आप घर में कैसे बना सकते हैं साथ ही साथ आंवला कैंडी कैसे बनती है नान खताई कैसे बनती है और भी बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे देखेंगे समझेंगे मैम ने मुझे बताया कि यहाँ पे ये किचन ये चलाते हैं मैम क्या नाम है आपका मेरा नाम तयबा इफ्तार तैयब मैम आ, ये सारे बॉक्सेस जो हैं यहाँ से दिखाओ मैं कहूँगा ये सारे बॉक्सेस जो हैं इनमें क्या क्या है मैम इसी से शुरुआत की थी ये क्या चीज़ है? ये, है ये ये रू अफजा है जो हमारा देसी रू अफजा है ये देसी रू अफजा जी देसी रू इसे है। आप खुद से बनाते हैं जी हम लोग खुद से बनाते हैं इसे अच्छा क्या किस तरीके से बनता है कैसे तैयार होता है क्या क्या इस्तेमाल होता है इसमें इसमें शुगर होती है कलर होता है जी और ये केवड़ा वगैरह वो सब वो सब लाल थोड़ा सा कलर कलर ठीक है

तो ये यहाँ पे आप बनाते हैं बनाते हैं और सेल करते हैं बच्चियाँ बनाना सीखती हैं और उसको हम लोग सेल करते हैं जी तो ये जो है बॉटल इसकी क्या कीमत होती है जब आप सेल करती हैं तो इसकी ए, वन फिफ्टी रुपीज़ वन फिफ्टी और ये अचार अगर मैं समझूँ ये किस रेट में जाता है ये वन फोटी वन के जी एक सौ चालीस रुपये किलो, किलो ये अचार है और ये आजकल क्या ना मार्केट में बहुत वैसे अचार भी मिलते हैं जो

अच्छा ये, ये किस चीज़ ये मोम मोम से सील करा है जो कि हार्मफुल नहीं है नुकसान नहीं ये नुकसा, मैंने ये यूनिक चीज़ देखी है इसको मोम से सील किया गया है जी से सील वाह और इसको आप हटा दीजिए और फिर आप इसमें इस से निकाल सकते हैं ये किस चीज़ का है ये मिक्स फ्रूट ये मिक्स फ्रूट जैम है मिक्स फ्रूट जैम जो बहुत पसंद की जाती है तो ये मिक्स फ्रूट जैम है ये कितने की है डिब्बी ये ये हंड्रेड रुपीज़ की हंड्रेड की ये क्या चीज़ है ये यह तो इन्होंने ट्राई करा है ये इमली का पल्प है इमली का पल्प जी अच्छा इमली का पल्प ये भी यहीं जेली अमरूद की अम्रूद जैली जैली। जी हाँ ये कहीं नहीं मिलेगी ये अमरूद की जेली कहीं और नहीं मिलेगी जी नहीं कहीं नहीं मिलेगी अमरुद की जेली और इसका टेस्ट भी टोटली डिफरेंट होता है ये मतलब अमरूद की जेली है और ये किस तरीके से बनती है ये अमरूद को पहले बॉईल करा जाता है और फिर उसके बाद उसको एक कपड़े में लेकर टांग दिया हाँ, जाता है ग्रश्टर, फिर ग्रश्टर, उसका क्रश करके और फिर उसके बाद उसका जूस बूंद 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 करके टपकता है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं और फिर उसको हम लोग पकाते हैं वाह ये तमाम चीज़ हो गई ये क्या है मैम ये ये अभी आम का अचार है ये जी ये फ्रेश है और वो जो था वो पुराना था ये टू हंड्रेड ये टू हंड्रेड तो के और ये मिर्च, चार। ये मिर्च का अचार है ये मिर्च का अचार है ये ड्राई मिर्च का अचार है ये ड्राई मिर्च का अचार है और ये है आंवला ये आंवला कैंडी है ये किस रेट पे सेल होती है आपके यहाँ ये इसे कैसे बनाते हैं आप ये इसे हम लोग पहले आंवले को फ्रीज कर देते हैं जी पाँच छः दिन के लिए फिर वो फ्रीज़र से निकाल के जी तो फिर उसको वो उसकी कलियां अलग करके

मर्तबान मर्त ये मर्तबान है और मुझे हमारे पेशे की जो एक चीज़ अच्छी लगती है वो यही लगती है जब भी ग्राउंड में जाने का मौका मिलता है तो नए नए शब्द नई नई चीज़ें आपको सीखने जानने समझने को मिलती हैं और इसे हमने अब तक बरनी के रूप में जाना कि बरनी है और यहाँ पे आके एक नया उर्दू का शब्द मर्तबान सुनने को मिला और ये सब बॉक्सेस इनके अंदर भी अचार को रखा जाता है ये क्या चीज़ है कुछ अलग अचार लग रहा है शलजम का अचार है अच्छा शलजम का अचार भी आप लोग बनाते हैं ठीक है आ, मैम ये आपकी टीम है ये सब लोग यहाँ काम करते हैं ये सब मेरे, ये मेरी टीम है ये सब मेरे यहाँ काम करते हैं अच्छा तो आप लोग यहाँ लगातार काम करते हैं कि सीखने के लिए आए हैं हमेशा, हमेशा, हमेशा काम करते हैं अचार बनाना ये सब रुआफा बनाना ये सारे काम आप यहीं पे करते हैं अच्छा ये बॉक्स का भी किस्सा आप कुछ बता रहे थे ये क्या बॉक्स है ये भी एक बार जरा हमें बताइए और मैं उस तरफ ही आ जाता हूँ ताकि ये खुल के दिख भी जाए कि इसमें क्या है और क्या इसका, इसका इस्तेमाल होता है ये सोलर कुकर, कुकर है ये सोलर सोलर कुकर है वाह और ये खुल जाता है जी। ये सोलर कुकर है ये ब्लैक एंड बॉक्सेस हैं इसमें आप चावल पका सकते हैं दाल पका सकते धूप में, में पहले से रख दिया जाता है।, है और फिर उसके बाद चावल अगर एक कप चावल है तो दो कप पानी डाल के ठीक है और नमक डाल के और इसमें इसमें हम रख देंगे साढ़े तीन घंटे में वो चावल तैयार हो जाते हैं पक जाएगा वाह तो आप इसका इस्तेमाल भी करते हैं कुछ चीज़ बनाने के लिए कभी या? इसको इस्तेमाल भी करते हैं और बच्चों को इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा तो ये ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाती है ये बताइए ये, ये क्या चीज़ है बड़ी फैंसी से पैकिंग में लग रहा है जो ये, होता है ये क्या है ये, ये ब्राउनी है ये सबसे ज़्यादा फेमस है मेरे यहाँ की ये ब्राउनी सेल होती है और वो पीनट कुकीज़ है जी मैम इसे देख के तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसे टेस्ट करके देख लूँ एक बार आप टेस्ट कर सकते हैं <laughs> बिल्कुल मैं टेस्ट कराऊंगी आपको अच्छा ये दोनों एक ही जैसे कुछ फर्क है नहीं नहीं दोनों एक ही चीज़ है दोनों सेम है तो ये बॉक्स कितने का बिकता है ये बॉक्स होता है टू हंड्रेड ट्वेंटी का और इसके ऊपर लिखा भी है बेकिंग क्लासेस अवेलेबल एट एम एच के आई टी आई रफी स्कूल रोड भोपाल तो आप ये देखिए कि ये इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि भाई किस तरीके से जो चीज़ आप खा रहे हैं उसे अगर पकाना सीखना हो क्योंकि तो आजकल YouTube यूट्यूब से भी बहुत लोग क्लासेस ले लेते हैं खाने पकाने की तो यहाँ आके लेकिन वो जो हुनर है वो जो देसी चीज़ है वो जो पुरानापन है वो अक्सर यूट्यूब पर नहीं मिल पाता खैर और ये है नान खटाई ये पीनट कुकीज़ अच्छा पीनट कुकी है ये पीनट कुकी तो ये जो बनी है जो नीचे इसमें जो ये बेस है इसका ये इसमें क्या क्या डाला गया है ये तो पीनट है पाउडर है पीनट का और अच्छा मैदा बेस है। बेस भी पीनट पाउडर और मैदा से ही बनाया से है, है। मतलब इसमें भी, इस भी पीनट का टेस्ट आएगा जब इसको खाएंगे जी बिल्कुल आएगा वाह तो ये तमाम चीज़ें आपके यहाँ पे बनती है अच्छा जो आप जो कोर्सेस कराते हैं आप जो कोर्सेस कराते हैं उसमें उसका क्या तरीका रहता है जैसे कोई आपके पास कोई लड़की आती है या कोई भी महिला कोई पुरुष कोई भी व्यक्ति आता है तो आपसे क्या कहेगा और किस तरीके से होगा ये वो यही पूछने आते हैं कि हमें बेकिंग सीखना है को कुछ कुछ हैं ये एक कहती हुई आती हैं कि फिर हमें से सिखाइए कि हम कमर्शियल परपस से सिखा दीजिए और कोई ऐसे सीख के और अपने बेकिंग में दपर, क्या क्या सिखाते हैं आप जैसे बेकिंग में पीनट बेकिंग में पूरा एक शेड्यूल बनता है जिस बेस से और हम उसको शुरू करते हैं उसकी शुरुआत होती है नान खताई से नान खताई के बाद ये और ऐसे करके वैसे पूरा एक टेन डेज का पूरा एक आ, दस, दिन दस दिन में दिन में उसको फिनिश केक वगैरह बनाना भी सिखाते केक वगैरह भी सिखाते हैं।, 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 हैं अच्छा और जो अचार हैं ये जो आम पल्प है या ये और मुरब्बे हैं और जो आंवला कैंडी है तो ये सब जो है इसकी अलग ट्रेनिंग होती है या इसकी बेकिंग प्रोडक्ट के साथ ही नहीं इसकी अलग इसकी अलग ट्रेनिंग होती है प्रिजर्वेशन के नाम फूड प्रिजर्वेशन वो कितने दिन की होती है वो भी टेन डेज की वो भी दस दिन की दस दिन में मतलब आप हुनरमंद हुनर हो सकते हैं जी इन हाँ तो हुनरमंद होकर आप ये हुनर अपने साथ लेके जा सकते हैं जी, जी. ठीक है इसके लिए आप क्या चार्जेस लेती हैं जैसे अगर कोई बेकरी प्रोडक्ट सीख रहा है या पाँच सौ रुपए में बेकिंग बहुत महंगा है बहुत महंगा है लेकिन वो बहुत नॉमिनल क्योंकि हम कमज़ोर जो हैं अपने घरों से उनको सिखाने की कोशिश करते हैं उन्हीं को सिखाती हूँ तो आ, जब वो लोग आते हैं तो कितना वक्त देना पड़ता है एक दिन में दिन में जैसे मान लीजिए कोई आया और उसे सीखना है बेकिंग प्रोडक्ट ये बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में तीन घंटे ढाई तीन घंटा तो लग ही जाता है तीन घंटे की क्लास होगी तीन घंटे और दस दिन चलेगी दस दिन चलेगी अच्छा इस तरीके से कहा जाता है खैर ये इन्होंने निकाल भी दी है क्या बताइए पूरा 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 समझाते हैं पहले टूल्स के बारे में बेकिंग के बारे में और पूरा एक क्लास तो इसी में ही हो जाता है हमारा फर्स्ट क्लास जो होता है वो टूल्स समझाते हैं माइक्रो मतलब अवन का इस्तेमाल बताते हैं कि अवन प्री हीट करके रखना चाहिए वो ये सारी चीज़ें एक फर्स्ट क्लास होता है वो उस पर होता है और फिर फिर सेकंड क्लास होता है नान खताई में फिर प्रैक्टिकल पर आते हैं अच्छा अब मुझे एक चीज़ और बताइए आपका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्या है

अच्छा अंदाजा उस तरीके से है नहीं में ज्यादा बिकता है बहुत ज्यादा बिकता है बहुत ज्यादा बिकता है और अचार कितने एक... अचार कितने किलो बिक जाता होगा आ... जैसे एक ड्रम में कितना लीटर या कितने किलो अचार आता है एक ड्रम में एक ड्रम में होता है पचास पच्चीस 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 तीस किलो के मान लीजिए तीस किलो अचार इस ड्रम में है तो तीस किलो अचार ये एक ड्रम खाली होने में कितना वक्त लगता है तो साल तो में चार, चार पाँच कुंटल पूरे साल में बिक जाता है पाँच कुंटल मतलब एक कुंटल में कितना हो गया हंड्रेड किलो हंड्रेड किलो तो पाँच कुंटल 500. मतलब पाँच सौ किलो साल का अचार बिक जाता है जा एक ड्रम एक ड्रम नहीं ओवरऑल 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 पाँच सौ किलो बिक जाता है ये मतलब मेरे लिए बड़ी हैरानी की भी बात है कि हम क्विंटल्स में बात कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट और ये खासियत भी है देखिए इस किचन में और इस जगह पे आने का मकसद जो मेरा है वो ये है अचार आपको बहुत जगह मिलेगा जो ये रुआ का सिरप बन रहा है ऐसे बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं ब्राउनी ये सब प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन आप सोच के देखिए कि लोग बना रहे हैं और अक्सर ऐसे खाने पीने के वीडियोज़ आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि नहीं 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 हम आपको देखिए प्रोडक्ट दिखाएंगे कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ कि चिकन चंगेज़ी चिकन कोरमा कैसे बनता है ये चिकन डाला ये बहुत सारा हमने इसमें घी डाला मक्खन डाला मसाले डाले मगर ये आपको बताएंगे नहीं कि मसाला कौन सा ये हमारा सीक्रेट मसाला है भले उसमें कुछ ना हो लेकिन आज के वक्त में भी ऐसी चीज़ है ऐसी सोच है कि आप उस स्किल को डिलीवर करना चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं और सिखा रहे हैं ये मेरा मकसद था कि यहाँ पे आप देखिए कि अभी भी आप जो कुछ भी बना रहे हैं आपकी आंखों के सामने बन रहा है आप उस हुनर को सीखिए जाइए और उसको फैलाइए और रोशनी दीजिए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका सर आपका भी बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त आपने मुझे दिया आप और आप इतनी चीज़ें हमें बताई और बहुत अच्छा लगता है आपके जैसे लोगों के साथ जो तजुर्बा आपका है इतने सालों का वो सीखने को हमें मिलता है तो हम लोगों के लिए बहुत सीखने वाला दिन रहा और भोपाल में आकर इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर हम जा रहे हैं यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं इसके लिए भोपाल का भी शुक्रिया लल्लन टॉप देखते रहिए लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा जारी रहेगी शुक्रिया